और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करूंगी और जो प्रोडक्ट है रिव्यू के लिए वो है ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक का क्यूकम्बर सनस्क्रीन लोशन विद SPF 30। तो मैं इसका आज आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे रोज नए नए स्किन केयर हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो इसकी प्राइस है 180 रुपीज और ये 180 रुपीज में 50 ml आता है। अब देखते हैं इसकी पैकेजिंग। तो गाइस अगर पैकेजिंग की बात करें ना, तो मुझे पैकेजिंग इसकी बहुत ही लाइक कूल लगी। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है जो आउटर पैकेजिंग है, और यहाँ पर इन्होंने सारे लाइक इंग्रेडिएंट्स और इसका जो इन डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है। और ये जो प्रिंट है ना, ये मुझे सबसे लाइक अट्रैक्टिव लगी। लाइक सारे सन की जो प्रिंट है इस पर इन्होंने दी हुई है, क्योंकि एक सनस्क्रीन है। अब देखते हैं हमारी मेन पैकेजिंग। तो ये एक ट्यूब फॉर्म में आता है और ये हमारी मेन पैकेजिंग है। तो ये पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट सी है, हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है, और ये SPF 30 के साथ आता है। सो गाइस ओवरऑल अगर पैकेजिंग की बात करें तो मुझे पैकेजिंग इसकी बहुत ही लाइक क्यूट लगी। सो पैकेजिंग इज वेरी वेरी नाइस। तो गाइज अगर इसकी स्मेल की बात करें ना, तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी लाइक स्वीट सा या फिर परफ्यूमी टाइप स्मेल नहीं है। सो ये एक फ्रेग्रेंस फ्री वाला सनस्क्रीन है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इसकी अगर स्मेल की बात करें तो इसमें कोई भी स्मेल ही नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल सनस्क्रीन है। थोड़ी सी लाइट सी लाइक एसेंशियल ऑयल की इससे स्मेल आती है, वो भी बहुत ही लाइट है। अगर हम लाइक 2 to 3 minutes तक इसे स्मेल करेंगे तब जाके थोड़ी सी स्मेल आती है। ओवरऑल स्मेल इसमें कोई भी अदर वाली एडेड नहीं है, सो दैट्स अ वेरी नाइस। सो ये एक आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री वाला सनस्क्रीन है गाइस। सो स्मेल जो लाइट आती है वो भी लाइक बहुत ही अच्छी वाली है, एसेंशियल ऑयल टाइप इसकी स्मेल है थोड़ी सी। तो आप देखते हैं इसका टेक्सचर। तो गाइस इसका टेक्सचर भी मुझे बहुत ही लाइक प्रिटी लगा। लाइक मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई किए थे जो ना मेरे स्किन पर बहुत ही ज़्यादा स्टिकी थे, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये बहुत ही लाइक झट से एब्जॉर्ब हो जाता है और लाइट वेट भी है। आप देख सकते हैं ये एब्जॉर्ब हो भी चुका है। सो ओवरऑल ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ही लाइक इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे स्किन पर झट से एब्जॉर्ब हो जाता है और उतना ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनाता स्किन पर। सो ओवरऑल इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा है। तो आप देखते हैं इसका रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस। तो गाइस फर्स्ट थिंग कि ये सिर्फ नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन टाइप लोगों के लिए है, और ये SPF 30 के साथ आता है, और इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA और UVB से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसकी जो मेन थिंग है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है कि ये 100% फ्री फ्रॉम पैराबेन, हार्श केमिकल्स, अल्कोहल एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। तो ये एक नेचुरल वाला सनस्क्रीन है गाइस। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सारे लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक बीज वैक्स और ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल और कुछ एसेंशियल ऑयल और थोड़े बहुत एसेंशियल ऑयल ही है इसमें और या थोड़े बहुत एसेंशियल ऑयल ही है इसमें। सो ओवरऑल अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स में सारे लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी केमिकल एडेड नहीं है। कई बार क्या होता है सनस्क्रीन में लॉट्स ऑफ केमिकल एडेड होता है, और ये ब्रांड कहता है कि ये हमें एक नेचुरल वे से सन से प्रोटेक्ट करता है। सो दैट्स वेरी गुड थिंग गाइस। इतने ज़्यादा केमिकल लगाने से बेहतर है कि हम ये नेचुरल वाला सनस्क्रीन बाय करें। सो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन ये हमारे स्किन को उतनी ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी करता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर बात करें इसके टेक्सचर की तो ये नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन टाइप या फिर ड्राई स्किन टाइप पर ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है ना, तो आप इसमें जेल वाला जो वेरियंट है वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। उसका भी रिव्यू मैं जल्दी लाऊंगी कि वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर इसकी बात करें ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे स्किन पर वर्क करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं देता।
थोड़ी सी स्किन को ऑयली बनाता है अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल जो ड्राई स्किन टाइप है, तो ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा, लाइक चिपचिपी भी नहीं बनाएगा, लाइक नॉर्मल आपको लगेगा कि आपने कुछ लगाया भी है या फिर नहीं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा वाला सनस्क्रीन है। और वैसे ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही लाइक अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वे थोड़े से लाइक केमिकल फ्री टाइप में आता है ये वाला ब्रांड। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप एक केमिकल फ्री वाले सनस्क्रीन सर्च कर रहे हो, अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल ड्राई टू सेंसिटिव हो, तो आप ये एक बार ज़रूर चेकआउट करेगा। इसे बहुत ही अच्छा वाला सनस्क्रीन है, एंड इसकी जो मेन बात जो मैंने आपको बताई कि ये केमिकल फ्री वाला सनस्क्रीन है, सो प्लीज़ गाइज एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसकी अगर क्वान्टिटी की बात करें तो क्वान्टिटी भी बहुत है, 180 रुपीज़ में, दैट्स लाइक अफोर्डेबल साइड, क्योंकि ज़्यादातर सनस्क्रीन 300 to 400 के ऊपर आते हैं और ये अफोर्डेबल भी है। सो अगर आप सनस्क्रीन बाय करना चाहते हो, आपका नॉर्मल सेंसिटिव टू ड्राई स्किन टाइप हो, तो एक बार इस ब्लॉसम कोचर का जो क्यूकुम्बर सनस्क्रीन है उसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा वाला सनस्क्रीन है। तो गाइज ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। स्टिल देन, बाय।